खबर दानापुर के मनेर से है, जहां हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह खौफ के साए में एक निजी कॉलेज में AK-56 की निगरानी में छात्राओं को नॉलेज दिया जाता है। जी हां, खौफ का साया इस कदर लोकल युवकों ने कॉलेज पर बरपाया है कि यहां 80% छात्राएं कॉलेज आना बंद कर दी हैं, और जो आ रही हैं वह भी डर डर के कॉलेज पहुँच रही हैं। उन्हें पढ़ने के लिए AK-56 और इंसास राइफल के साए में पढ़ाया जा रहा है। आप भी तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से पुलिस कर्मी सुरक्षा में लगे हुए हैं। इसके बावजूद इनके गार्जियन इन्हें कॉलेज नहीं भेजना चाहते, लेकिन हिम्मत करके पढ़ाई को जारी रखने के लिए छात्राएं कॉलेज पहुंच रही हैं। यह मामला मनेर थाना क्षेत्र के चितनावा का है, जहां पर एक अंबेडकर नाम से निजी पारा मेडिकल कॉलेज में पिछले 30 जनवरी से लगातार बदमाशों द्वारा यहां के छात्राओं को छेड़खानी और गलत हरकत से परेशान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जब कॉलेज प्रशासन केस करता है तो बदमाशों द्वारा कॉलेज में हमला कर दिया जाता है, फायरिंग कर दी जाती है। इतना ही नहीं, छात्राओं के साथ अभद्रता भी की जाती है जो बताया नहीं जा सकता। यही वजह है कि कॉलेज प्रशासन ने मनेर थाने में इसकी लिखित शिकायत दी है, और इसी शिकायत के बाद लगातार हो रही घटना को देखते हुए पुलिस ने कॉलेज को सुरक्षा प्रदान किया और AK-56 और इंसान की निगरानी में बच्चों की पढ़ाई करवाई जा रही है। बच्चों के आने के समय और जाने के समय पुलिस की निगरानी रहती है। पूरा दिन पुलिस बच्चों की हिफाजत में लगा रहता है। कॉलेज के बाहर और कॉलेज के अंदर पुलिस बल मौजूद है। अब किसी भी तरह के छेड़खानी करने वाले युवकों को पुलिस बख्शने नहीं जा रही। यही वजह है कि पुलिस की मौजूदगी हर वक्त नजर आने लगा है। पिछले 2 दिनों से कैंपस की निगरानी कर रही कॉलेज के छूटने के बाद ही पुलिस यहां से हटती है। कॉलेज प्रशासन दानापुर ASP से लेकर DGP तक गुहार लगा चुकी है, लेकिन अभी भी छात्राओं का मानना है कि हमें प्रॉपर सुरक्षा नहीं मिल पा रहा, हमारी पढ़ाई पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। बहुत सारी बच्चियां बदमाशों की छेड़खानी की वजह से कॉलेज नहीं पहुंच पा रही। लोकल गुंडे हैं जो कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों और युवकों की पिटाई के साथ छेड़खानी भी करते हैं। डर है? डर तो है, लेकिन फिर भी कॉलेज तो आना है पढ़ने के लिए। क्या क्या डर लगता है? उस दिन बस में घुस गए थे जिससे छेड़खानी की, क्या पता बाहर भी कुछ कर सकते हैं। क्या चाहती हो? प्रोटेक्शन। यही वजह है कि इस निजी कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक जो दूसरे प्रदेशों से यहाँ बिहार की छात्राओं को ट्रेंड करने आई हैं, वह भी डरी हुई हैं। और उनका कहना है कि यह डर तब तक रहेगा जब तक दोषियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर लेती। अभी तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, पुलिस की मौजूदगी में पढ़ाई हो रही है। हम MP से पढ़ाने आए हैं, बट यहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले तो सब ठीक था, मगर कुछ दिनों से यहाँ पे माहौल ठीक नहीं है, तो इसलिए इस माहौल के लिए तो यहाँ पे प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना हम लोग भी ज़्यादा दिन तो यहाँ पे नहीं रह सकेंगे इस माहौल में। बच्चों के लिए भी यहाँ पे प्रोटेक्शन चाहिए, उनके लिए भी, तो वो लोग भी दूर दूर से यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, मगर इस तरीके का माहौल रहेगा जहाँ पे कोई ना पढ़ना चाहेगा और ना ही कोई पढ़ाना चाहेगा, मतलब बस रोक देना, बच्चियों के साथ हरकतें करना, उनको छेड़ना, ये सारी हरकतें तो नहीं होनी चाहिए। आप लोग कहाँ रह करके? हम लोग हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल में भी तोड़फोड़ हुआ था? हॉस्टल में हाँ हुआ था। अब हम लोग भी जैसे बच्चों का बस रोका गया, हम लोग भी बस से ही आते हैं, कल को हमारा भी बस रोका जाएगा, तो ये सारी चीजें ना हो इसलिए प्रोटेक्शन बहुत जरूरी। कौन लोग ये? वहीं प्रबंधन का कहना है कि छात्र और छात्राओं को डर मुक्त पढ़ाई देने का प्रयास हमारा जारी है। हमने पुलिस के पास गुहार लगाई है, थोड़ी सुरक्षा मिली है और सुरक्षा की जरूरत है ताकि पढ़ाई सुचारू तरीके से चल सके। जो बच्चियां हमारे कॉलेज में नहीं आ रही हैं, उन्हें भी लाने का प्रयास किया जा रहा है। ने धमकी दिया कि तुम जिस यहाँ सुरक्षा करने जा रहे हो, अगर वहाँ से तुम सुरक्षा करोगे तो तुम्हारे परिवार को मार देंगे और तुम लोगों को भी मारेंगे, और तुम्हारे डायरेक्टर को तो नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे डायरेक्टर को तो मारेंगे ही, तुम्हारे परिवार को भी हम मारेंगे, और तुम लोग अपना समझ लो। इतनी सख्त उनको धमकी दी गई कि मेरे गार्ड लोगों ने नेक्स्ट डे सुबह से हमारे यहाँ ड्यूटी करना छोड़ दिया, और इस परिस्थिति में मुझे लगा कि मेरे लिए भयावह स्थिति है कि हम सुरक्षा एजेंसी से सुरक्षा गार्ड भी नहीं ले सकते हैं, और तब हमने सूचना प्रशासन को दी इन चीज़ों के लिए। और अब स्थिति यह है कि मेरे कर्मचारी और जो गार्ड 4-5 और रह रहे हैं वो सब डरे हुए हैं कि कहीं उनके परिवार को कोई खतरा नहीं हो जाए।
छात्राएं भी नहीं आ रही हैं, शिक्षिका जो महिला है वो भी जाने की बात है। 20% मात्र छात्राएं आ रही हैं, 80% अटेंडेंस हमारा समाप्त हो गया है। और जो हमारे यहाँ शिक्षक थे उसमें से कम 15 से ज़्यादा शिक्षिकाएं छुट्टी लेकर चली गई हैं, और जो हैं वो भी भय के वातावरण में हैं कि जब तक अगर अपराधी गिरफ्तार नहीं होता है तो महिलाएं, छात्राएं और हमारे शिक्षिकाएं काम करने के लिए नहीं लग रहा है कि वो काम करेगी संस्थान में। वजह क्या है? बस भय कि हम वहाँ से आ रहे हैं, रास्ते में कहीं मेरे साथ कोई घटना घट जाए। मैं जहाँ रह रहे हूँ रूम लेकर के, मेरे यहाँ क्योंकि मैक्सिमम छात्राएं शिक्षिकाएं सौग्राम मोड़ के आसपास रूम लेकर आती हैं, कहीं उन्हें कुछ घटना घट जाए तो किसी के पति, किसी के परिवार उनको चाह रहे हैं कि वो शिक्षिका यहाँ से छोड़कर दूसरी जगह चली जाए। कौन लोग हैं? शिक्षिकाएं तो हमारे बाहर से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, यूपी से हैं, वो लोग भयभीत हैं बिहार का नाम सुन करके और यहाँ के वातावरण। इनका यह भी कहना है कि स्थिति नहीं सुधरी तो डर के साए में कॉलेज चलाना मुश्किल होगा और इसे बंद करना होगा। बहरहाल पुलिस के AK-47 की निगरानी में पढ़ाई जारी है और पुलिस उन दोषियों की भी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई पकड़ में नहीं आया है जिसकी वजह से कॉलेज के छात्र और छात्राओं में डर बना हुआ है। ऐसे में इनका डर समाप्त करने के लिए पुलिस को बेहतर प्रयास करना चाहिए, नहीं तो एक बार फिर सरकार पर जंगल राज का ठीकरा फूटेगा। खुलासा के लिए पटना से प्रमोद झा की यह रिपोर्ट।